लगता है अब की बार तो घर से अच्छा खासा सामान मिला है। क्या सोच रहे हो मम्मी जी? ए, कुछ नहीं छोटी बहू, मैं तो यही सोच रही हूँ इतना भारी बैग तू अकेले कैसे उठा के लाई है। और कोई भी आया तेरे साथ में? भाई आया है, वही लेकर आया। ये तो वो पापा जी के पास बैठा है, बातें कर रहा है उनसे। अच्छा बड़ी बहू, छोटी बहू आ गई है, उसके लिए चाय पानी का इंतजाम कर दे, मैं दीदी से मिलकर आती हूँ। अरे तू थकियारी आई है, बैठ जाए यहीं, आ जाएगी। अरे छोटी तू आ गई। नमस्ते दीदी। तेरे बिना तो ये घर बिल्कुल खाली खाली सा हो गया था। आप ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ। और घर पर मौसा जी मौसी जी कैसे हैं? सब ठीक है दीदी। जा चाय बना दे। हो गई खड़ी यहाँ पे। मैं भी दीदी के साथ नाश्ता लगवा देती हूँ, तो बैठ जा, चाय तो बनानी है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है इसे। हाँ हाँ सही तो कह रही है, चाय तो बनानी है, तू बैठ के मम्मी से बात कर, मैं भी चाय बना कर लेके आती हूँ। देखो मम्मी जी, एक ये वाली है और ये वाली हो जाएगी। ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और ये वाली मम्मी की पसंद की थी। साड़ियाँ तो सारी सुंदर हैं छोटी। सुंदर क्यों नहीं होंगी, इतनी महंगी महंगी जो हैं। कभी आया है तेरे घर से इतना महंगा कपड़ा? आज तक तो तेरे माँ बाप ने एक ढंग का कपड़ा भेजा नहीं है। मुझे तो कहीं बाहर दिखाते में भी शर्म आती है। क्या दिखाऊं उन्हें? देखो जी, ये आया मेरी बड़ी बहू के घर से। वो तो भगवान का शुक्र है कि छोटी बहू लक्ष्मी के रूप में आ गई। आते ही चांदी चांदी कर दी इसने तो। देख कितना भर भर के सामान लेकर आती है। अब मम्मी जी, मेरे माँ बाप की जितनी हैसियत है उतना तो कर ही देते हैं ना। अब उन्हें क्या पता थी कि आपके मन में इतना लालच भरा पड़ा है। बड़ी बहू, औकात में रह के बात कर, समझी? अब तक तो औकात में ही थी, लेकिन अब क्या क्या करेगी तू? घर छोड़कर अपने मायके जाएगी? घर छोड़ के तो जाऊंगी, पर मायके नहीं। मैं इन्हें और बच्चों को लेके कहीं भी रह लूंगी, लेकिन इस घर में नहीं रहूंगी। ये तो मुझसे कब से कह रहे थे कि कहीं अलग रह लेते हैं, क्यों सहन कर रही है इतना? लेकिन मैंने ही मना कर दिया था कि नहीं, जब तक मम्मी पापा हैं तब तक इस घर से अलग नहीं होंगे। लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। हाँ हाँ तो जा, रोका किसने है? दीदी आप ये क्या कह रही हो? अरे जाने दे इसे, तू क्यों रोक रही है? मम्मी जी, अगर दीदी इस घर से जाएंगी ना तो मैं भी चली जाऊंगी, फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। मम्मी जी आप इस घर की बड़ी हो, अगर आप ही घर तोड़ने की बात करोगे तो हम बच्चों से क्या उम्मीद रखोगे? एक बात कहूँ आपसे, दीदी ने तो आपसे ये बात अब कही है घर छोड़ने की। मैंने तो दीदी से ये बात कब की कह रखी है, पर दीदी ने ही मुझसे मना कर दिया था। यही कह रही थी मुझसे कि जब तक मम्मी पापा हैं जब तक घर छोड़ने की बात मत करना। मुझे क्या पता थी कि आप जो ये मुझसे प्यार दिखा रही हो ये सब मेरे पैसों के लिए? छी, एक बात कहूँ मम्मी जी, छोटी हूँ, कहनी तो नहीं चाहिए। हम दोनों इस घर की बहुएं हैं, हमारा भी इस घर पर उतना ही हक है जितना आपका। इज्जत दोगी तो पैर धोके भी पी लेंगे, लेकिन अगर अपमान करोगी तो आप खुद समझदार हो, सोच लेना। छोटी बहू, बड़ी बहू, बेटा तुम दोनों मुझे माफ कर दो, मैं तो बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। अब तुम दोनों इस घर से चली जाओगी तो मेरा क्या होगा? ये घर तो बिल्कुल खाली हो जाएगा। अगर बच्चे गलती करें तो बड़े उन्हें माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर बड़े ही गलती करें तो बच्चों का भी तो फर्ज बनता है ना कि उन्हें माफ़ कर दें। बेटा तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो,